बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। चलें जी, ये सेकंड डे है नानों के घर। सुबह सुबह बच्चे उठ गए हैं, ज़बरदस्ती धूप निकली हुई है। ये देखें, यहाँ हमारा सोनू उठ गया, ये मेरी गुड़िया भी उठ गया यहाँ पे, और मेरा बेटा, सब बच्चे उठ के तो बस फुल ऑफ मस्ती लगे हुए करने नानी के घर का, कि इंजॉय इंजॉय, बस बच्चों को बस इंजॉय करना होता है। ये देखें कितनी खूबसूरत सी धूप निकली है, बारिश के बाद इतनी प्यारी ठंडी ठंडी सी धूप निकल रही है, बहुत ही। चलें यार, मैं आपको अपनी मॉर्निंग की रूटीन दिखाऊंगी। ये देखें, फर्श पे इधर रूठ के या ये उठ नहीं दी रही। फिर हमने साथ ही नाश्ता बना लिया है, साथ हमने पराठे और ये हमने दाल बनाई थी रात को, वो सा लेना है, और दही लस्सी सारा कुछ। नाश्ता करने के बाद फिर हमने तकरीबन, हमारी गैस बंद हो जाती है, तो मैंने सोचा चले जी, मेरे भाई की फरमाइश थी आज भिंडियाँ और चिकन बनाओ, क्या मैंने लास्ट वीडियो तुम्हारी देखी थी तो मेरे मुंह में पानी आ गया, चलो मुझे इधर भी बना के खिलाओ। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, ज़रूर। तो इधर हमने भिंडियों को ना धो के तो छोटे छोटे काट लिया, तो ये काट के तो हमने ऑयल के अंदर इनको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। जब हमने भिंडियों को ब्राउन कर लेना अच्छे से, फिर हमने इसको नेक्स्ट, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। और सुनाएं, कैसी छुट्टियाँ गुजरी आप सब लोगों की? तो यहाँ हमने भिंडियों को अच्छे से फ्राई करना है, जैसे ही इसका गोल्डन ब्राउन कलर आएगा फिर नेक्स्ट हमने इसके अंदर कुछ और डालना है। भिंडियों को मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है, गोल्डन ब्राउन करके ये मैंने सारी आपको पहले भी बताई हुई है, तो मैंने सोचा अम्मी के घर आए हैं तो फिर कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने भिंडियाँ फ्राई कर ली थी और प्याज ज़्यादा से हमने काट लिया, इससे बहुत मज़ा आता है। प्याज काट के मैंने उसको ब्राउन कर लिया, ब्राउन करके साथ ही चिकन डाल दिया है। चिकन डाल के अच्छे से इसको भुनेंगे ताकि इसको, इसकी जो स्मेल होती है चिकन की, वो ख़त्म हो जाए। प्याज़ों के साथ इसको मज़े से भून लेंगे, तो फिर नेक्स्ट मैं आपको फिर बताती हूँ। और सुनाए, बच्चों की छुट्टियाँ कैसे गुजर रही हैं? यकीनन सबके बच्चे बहुत तंग आ रहे होंगे, हमारे भी बच्चे बहुत तंग आ रहे हैं। कोई नहीं, छुट्टियाँ अब गुजर जाएंगी। तो मैंने उसके बाद फिर इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला सब कुछ डाल के, तो ये टमाटर, हरी मिर्चें डाली थी इसमें, ज़्यादा टमाटर और ज़्यादा हरी मिर्च डालती हैं, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी थी हमारी ये। तो इसके साथ साथ चले नहीं, मैंने आपको कहना था, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, इसमें कोई ना कोई आपको टिप्स ज़रूर मिलेंगी मेरी वीडियो में आपको, ठीक है। तो इसकी ये है कि इसको भिंडियों में ना, अगर हम भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं उससे फिर ये चिपचिपाहट सी नहीं होती, लेसदार नहीं होती, इसे बहुत मज़े की बनती हैं। तो इसको मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, जैसे हम अच्छे से भून लेंगे ना, फिर नेक्स्ट हमने इसमें लास्ट में भिंडियाँ डाली हैं। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका था हमारा। और जी, मेरी एक फ्रेंड कहती है तुम कितना तेज़ बोलती हो, तो मैंने कहा बस आदत सी होगी आप तेज़ तेज़ बोलने की। तो अम्मी के घर आई हूँ तो ये बस उस दिन ना तेज़ आंधी आई है, तो उसकी वजह से बस जो डस्ट है मेरे गले में चली गया, मैं गला थोड़ा सा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ही ना प्रॉब्लम इशू हो रहा है। मेरी प्यारी भाभी ने मुझे एक ज़बरदस्त सा मुझे सिरप दिया है, वो मैंने पिया, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया मेरा गला अब। तो इधर हमारी यहाँ भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, फुल ऑफ जो है ना यम्मी सी। इधर मैंने भिंडियाँ भी डाल के अच्छे से फिर इसको भून लिया, तकरीबन 10-15 मिनट हम इसको ढक देंगे ताकि इसका चिकन भी और जो भिंडियाँ थोड़ी सी कसर रहेगी भिंडियों में वो भी गाल जाएँ, ब्राउन करते हुए गाल ही जाती हैं। ये हमारा किचन देख लें, अम्मी के घर का किचन है ये सारा, इन्हीं अम्मी के घर का टूर करवाऊँगी इंशाल्लाह जल्दी आपको। तो लास्ट में जो मैंने ये इंग्रेडिएंट डाला है ना, ये है अनारदाना, इससे सबसे बेस्ट टेस्ट आता है अनारदाने से, ये बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ अल्लाह हाफिज़। सॉरी अभी अल्लाह हाफिज़ नहीं, ये मेरी बेटी आ गई थी पीछे तो कह रही थी मामा हेलो हेलो। तो यहाँ पे मेरी भिंडियाँ ज़बरदस्ती रेडी हो गई हैं, साथ ही फिर हमारी गैस भी बंद हो गई थी जल्दी से, मैंने 2-4 फुलके बना लिए थे, तो भाई आ गया था फिर से अपने, तो कह रहा था मैंने अभी खाना खाना है तो गैस बंद हो गया है, फिर वो तंदूर से रोटियां ले आया था, फिर नेक्स्ट देखे हमने तंदूर से रोटियां ली हैं, ये साथ सैलेड काटा है, प्याज खीरे, और इधर हमने दोपहर का खाना खाया है, बहुत इंजॉय किया हमने दोपहर के खाने को। तो ये देखे इधर मेरा सोनू फुल खेल रहा है, मज़े में है, बच्चों की लाइफ ही मज़े की होती है, मैं कहती हूँ यही लाइफ होती है, बड़े होकर तो टेंशन ही नहीं खत्म होती, ये काम वो काम, ये करना वो करना, बच्चों की ज़िंदगी जो होती है ना, मैं कह रही हूँ बचपन जो होता है ना हमारा, वो बेस्ट ऑफ होता है बहुत ही। ये देखे कह रही मामा मेरी वीडियो बनाए पहले, मेरी वीडियो, इसको बहुत ही शौक है मेकअप का, वीडियोज़ का। इधर देखें ये कैसे इंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, इसको टॉयज़ दिए हुए थे और टॉयज़ के साथ ये खेल रहा है। इधर इनकी मस्तियाँ देखें, चलें जी ओके। ये देखें मेरी बेटी की मस्तियाँ, मेरी वीडियो बनाए,
ये फिल्टर लगा के इसकी देखिए, माशाल्लाह कितनी प्यारी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।